हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजनाज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम अरहर की दाल को लंबे समय तक रखने का तरीका बताएंगे कि इसमें कीड़े और सीलन से किस प्रकार से बहुत ही आसानी से बचाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। लेकिन इससे पहले, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में दिए हुए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आप पर तुरंत पहुँच सके। चलिए देखते हैं किस प्रकार रखते हैं। फ्रेंड्स, अरहर की दाल लगभग सभी घरों में यूज होती है, तो इसको हम किस प्रकार से बरसात और सर्दी के दिनों में सीलन से कीड़े से बचा सकते हैं, तो ये तरीका आपको हम बताएंगे। और ये तरीका बहुत ही कारगर है। तो यहाँ पर मैंने अरहर की दाल लिया हुआ है, और लेने के बाद अब इसको हम रखने का तरीका आपको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है, और कढ़ाई को गैस के ऊपर रख लिया है, गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ी थोड़ी अरहर की दाल डालेंगे। तो ये देखिए, हमने दाल कढ़ाई में डाल दिया है, और डालने के बाद अब इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो ये देखिए, दाल को हम चलाते हुए अच्छे से रोस्ट कर रहे हैं। और दाल भूनते समय हमें ये ध्यान रखना है कि दाल को हमें कंटिन्यू चलाते रहना है, और इसके अंदर से एक अच्छी सी स्मेल आने लगेगी। तो दाल समझिए अच्छे से भून चुकी है, अब इसको हम निकाल लेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर दाल को हमने एक बर्तन में निकाल लिया है, और इसके बाद हम यहाँ पर दोबारा से दाल को कढ़ाई में डाल के और इसको फिर से रोस्ट करेंगे। हम यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दाल डाल के रोस्ट करना है, जिससे ये अच्छे से ये भुन जाए और इसमें जो भी सीलन है वो ख़त्म हो जाए। तो इसी तरह से हम सारी दाल को अच्छे से भून लेंगे, और भूनने से ये दाल के अंदर कीड़े बिल्कुल नहीं लगते हैं, और इसमें सीलन भी नहीं लगता है। तो ये इस तरह से हम दाल हम काफ़ी लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पर दाल भून लिए चुके हैं, और इसको एक बर्तन में निकाल लिया है, ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। और यहाँ पर एक एयर टाइट डिब्बा ले लिया है, और इसके अंदर हम दाल को रख देंगे। तो ये जो हमने दाल भून के रखा था, ये ठंडी हो चुकी है, इसको इसी डिब्बे में डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने सारी दाल को डाल दिया है, और डालने के बाद इसी डिब्बे के अंदर हम बंद करके और इस दाल को रख देंगे। यदि हम दाल को इस तरह से भून लेते हैं, तो ये दाल खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाती है, और साथ साथ ये बरसात के दिनों में और जाड़ों के दिनों में सीलन से और कीड़े से सभी चीज़ों से इसको हम बचा के रख सकते हैं। और इसको हम एयर टाइट डिब्बे में ही बंद करके रखें। तो इस तरह से यदि आपके पास ज़्यादा दाल है, तो दाल को बना लीजिए, और बनाने के बाद एयर टाइट डिब्बे में रख दीजिए, ऊपर से ढक्कन को बंद कर दीजिए। ये दाल जल्दी ख़राब नहीं होगी, और इस तरह से काफ़ी लंबे समय तक रखी रहेगी। आई होप आपको दाल रखने का तरीका पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और जानने वालों के साथ शेयर करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।